एक्चुअली सभी को पता है कि पिछले दो महीनों से हम लोग सभी लोग घर में लॉकडाउन है और इतने बड़े बड़े बाल हो चुके हैं घर के हस्बैंड्स के, हस्बैंड मतलब विधायक, और आज विधायक के बाल उनकी धर्मपत्नी मतलब एमपी उनके बाल आज आमदार के एमएलए के बाल काटने वाली है। तो बहुत बार मैंने रिक्वेस्ट की कि किसी बार्बर को बुला के आप बाल काट लीजिए, पर बार बार बोलने के बाद भी इन्होंने नहीं सुना और ऐसे ही बाल लेकर बहुत मीटिंगों में जाते रहे, तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, एमपी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए एमएलए के बाल आज भी काटेंगे। तो एटलीस्ट शुरुआत करते हैं, ट्रायल करते हैं कि काटते हैं, मीटिंग में जा सकते हैं कटने के बाद कि घर पे ही बैठ सकते हैं, ट्रायल करना बहुत जरूरी है। तो आज जबरदस्ती करके हम घर पे बिठाए हैं और आज हमारे हाथों के अंडर में लेके आज हम बाल कटिंग करेंगे। के बाल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काटने वाली है, तो देखी जाएगी आज बाल कटिंग होगी कि घर से निकल पाएंगे कटने के बाद कि नहीं। तो जरूरी नहीं है बहुत सारे बाल काटने हैं, पर जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बड़े हो गए हैं उसको काटने की बहुत जरूरत है, क्योंकि वाइफ्स वैसे भी सभी वाइफ्स कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट जरूर करती हैं, तो शायद एक वाइफ का भावनाएं जाती है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने विधायक को गंदी परिस्थिति में नहीं देख सकती, शायद इसलिए ये आज हो रहा है। तो मुझे लगता है कोई ज्यादा लोगों ने ट्रोल नहीं करना, ये एक्चुअली करेक्ट भी है, क्योंकि किसी को बुलाकर अगर हेयर कट करवा लेते हैं और रिस्क फैक्टर ज्यादा रहता है, इसलिए रिस्क फैक्टर कम करने के लिए अगर हमने अपने हाथ से ही घर में दो महीने अगर कटिंग कर ली होगी तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम बहुत सेफ हो सकते हैं। अपनी गारंटी हर कोई दे सकता है, घर में है, बाकियों की गारंटी देनी थोड़ी सी कठिन है। मुझे लगता है आमदार साहब के बहुत ज्यादा बाल बहुत बढ़ गए हैं, अब ये यहाँ से थोड़ी सी कटिंग और हम काटेंगे।